have to show you, but तो दोस्तों आवाज़ सुनिए आपने, आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बढ़िया कुरकुरे मैगी सोया रैप्स। ये बहुत ही टेम्पटिंग और अमेजिंग रेसिपी है। आज हम इसी रेसिपी को बनाना सीखेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक एट होम। मैं रोमाना खान आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। आज मैं आपको बनाना सिखाऊँगी मैगी सोया रैप्स, जो बहुत ही झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रैप्स बनाने के लिए हमें चाहिए सोयाबीन। ये मैं यहाँ पर 1 कप सोयाबीन ले रही हूँ। अगर आपके पास सोयाबीन का चूरा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सोयाबीन को गर्म पानी में भिगा देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। सोयाबीन को हम 10 से 15 मिनट रखेंगे। और मीनवाइल यहाँ पर आप कैबेज चॉप कर लीजिएगा, 1 कप कैबेज है। और ये हमारी सोयाबीन सॉफ्ट हो चुकी है, तो अब आपको इसका पानी जो है सारा स्क्वीज़ कर देना है और आपको इसको ऐड कर देना है चॉपर में। मैं शिमला मिर्च भी चॉपर में ही चॉप कर रही हूँ। और इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इसको मिक्सर ग्राइंडर में भी चॉप कर सकते हैं। और ये यहाँ पर सोया चंक्स चॉप हो चुकी हैं। यहाँ पर मैं मैगी नूडल्स यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी नूडल्स यूज़ कर सकते हैं। मैं एक पैकेट ही 12 रुपीज़ वाला यूज़ कर रही हूँ। इसको आपको खाली नूडल्स को बॉईल कर लेना है, मसाला नहीं ऐड करना है आपको। टेस्ट मेकर हम बाद में ऐड करेंगे। ओवर कुक नहीं करना है हमको नूडल्स को, मीडियम कुक करेंगे ताकि हमारे नूडल्स खिले खिले रहें और आपस में चिपके नहीं। और ये हमारे नूडल यहाँ पर तैयार हैं। 2 से 3 मिनट के बाद ही ये तैयार हो चुके हैं। इनको ज़्यादा ओवर कुक नहीं किया है मैंने। और अब हम इसको स्ट्रेन कर देंगे और स्ट्रेन करके इसके ऊपर हम ऐड कर देंगे कोल्ड वाटर, ताकि इनकी ओवर कुकिंग यहीं पर स्टॉप हो जाए। आप चाहें तो नूडल्स के ऊपर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, इससे भी नूडल्स गीले गीले रहते हैं और आपस में चिपकते नहीं हैं। अब आपको एक पैन ले लेना है और पैन के अंदर आपको ऐड करना है 4 टेबल स्पून ऑफ ऑयल। ऑयल ऐड करने के बाद इसके अंदर आपको ऐड करनी है कैबेज। आपको जो भी सब्ज़ियाँ पसंद हो आप वो सब्ज़ियाँ यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही सब्ज़ियाँ यूज़ करें, आप अपनी मनपसंद सब्ज़ियाँ यूज़ कर सकते हैं। कैबेज को आपको सौते करना है 1 से 2 मिनट के लिए। और उसके बाद आपको ऐड कर देना है इसके अंदर सोयाबीन चॉप्ड और शिमला मिर्च, जो कि हमने चॉप कर कर रखी हुई थी। इसको भी आपको ऑयल के साथ फ्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट भूनेंगे इसको अच्छे से ऑयल के अंदर। फिर मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। मैं यहाँ पर 2 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। साथ ही साथ ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ मैं। यहाँ पर मैं टॉप्स का सोया सॉस यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी सोया सॉस यूज़ कर सकती हैं। सोया सॉस मैं ऐड करूँगी 3 बड़े चम्मच, 3 टेबल स्पून। साथ ही साथ मैं ऐड करूँगी इसके अंदर विनेगर। विनेगर भी मैं टॉप्स का यूज़ कर रही हूँ। विनेगर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। आप सभी सॉसेज और मसालास को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग घटा बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ मैं ऐड करूँगी 2 टीस्पून ऑफ ऑरेगानो। सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद लास्ट में हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं बॉइल्ड नूडल्स, जो कि हमने बॉईल करके रखे हुए थे। 1 टीस्पून अजीनोमोटो और मैगी टेस्ट मेकर। और इन सब चीज़ों को ऐड करने के बाद स्टफिंग को अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो जाएगी। और अभी हमारी स्टफिंग बनकर तैयार है, अब हम इसके रूम टेम्परेचर पर आने का वेट करेंगे। जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है तब तक हम मैदा गूंध लेंगे। यहाँ पर मैं 3 कप मैदा यूज़ कर रही हूँ। सेमी स्टिफ डो बनाएंगे, ना तो आपको ज़्यादा सख्त रखना है डो को, ना ही ज़्यादा मुलायम। सेमी स्टिफ हम डो बनाकर तैयार करेंगे। इसको अच्छे से पंच करते हुए आपको गूंथ लेना है। और ये हमारा डो बनकर तैयार है। इसको हम रेस्ट करने के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। ये देखिए हमारा डो बिल्कुल तैयार है, 10 से 15 मिनट रेस्ट कर रहा था। ये आप देख सकते हैं, इसी तरीके का आपको डो बनाकर तैयार करना है। अब इसके अंदर से हम लेमन साइज्ड बॉल बना लेंगे। पिंच करेंगे लेमन साइज्ड बॉल और इसको ऐसे रोल करके बॉल की शेप दे देंगे। और ये मैं यहाँ पर पूरी मेकर में बना रही हूँ, आप चाहे तो हाथों से भी बना सकते हैं। इसके अंदर रखेंगे इसको और ऐसे प्रेस कर देंगे, प्रेस करेंगे। और ये देखें दोस्तों, ये हमारा डो जो है ये फ्लैट हो गया है। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्टफिंग। स्टफिंग आपको कम ज़्यादा जितनी भी पसंद हो उतनी आप ऐड कर सकते हैं। और फिर आपको ऐसे वीडियो में जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ ऐसे आपको इसे फोल्ड करना है।
इस तरीके से चारों कोनों से उठाते हुए आपको उसको फोल्ड करना है स्क्वायर में। अगर आप चाहें तो उसको राउंड में भी फोल्ड कर सकते हैं, जैसे आपको पसंद हो वैसी आप शेप इसको दे सकते हैं। और ये देखें, ये हमारा फर्स्ट रैप बनकर तैयार हो चुका है। इसी तरीके से आपको प्रेस करते हुए सारे रैप्स बनाकर तैयार कर लेना है। और ये यहाँ पर हमारे सारे मैगी सोया रैप्स बनकर तैयार हैं। अब आपको ऑयल को गर्म कर लेना है, मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको फ्राई करेंगे। बीच बीच में इधर उधर से पलटते पलटते रहें आप, 2 से 3 बार पलट पलट कर इनको लाइट गोल्डन होने तक आपको फ्राई करना है। दोस्तों, मैंने 3 से 4 बार जैसा कि आपको बताया इसी तरीके से इनको पलटा है। और आपको ध्यान रखना है कि आपको तेज़ आंच पर नहीं पकाना है। और ये हमारे रैप्स बिल्कुल रेडी हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे। आप टिश्यू पेपर पे या एब्जॉर्बेंट पेपर पे इसको निकाल सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे मैगी सोया रैप्स बनकर आसान है। ये बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही इजी और बहुत ही टेस्टी हैं। ये झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं, बस थोड़े से एफर्ट की ज़रूरत होती है। आप देख सकते हैं कि ये कितने क्रिस्पी, कितने टेस्टी और कितने यम्मी लग रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो से नोटिफाइड रहें। मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में। टिल देन फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय दिस यमी मैगी सोया रैप्स।